हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडिट जोन। मेरा नाम है लोकेश और ये अनूप सर। आज हम बात करेंगे एड्यूज में लगने वाले इफेक्ट्स के बारे में, कैसे इफेक्ट की टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे डिक्रीज़ करते हैं, कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इफेक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो उस वीडियो में जैसे कुछ इफेक्ट्स हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे एडिट किया हुआ है, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ठीक। देखा आपने, ये सब इफेक्ट वही हैं जो एडीएस के अंदर होते हैं और इनको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। ठीक। तो अपन इसी पे बात करते हैं आज। तो जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, ये आपको इफेक्ट दिख रहा है, तो ये आपके एडीएस के अंदर ही है। अब देखिए, जैसे ये आपके पास ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे आपके 2D हैं, 3D हैं, अल्फा हैं, तो ये सभी इफेक्ट आपके जो हैं वो काम आते हैं। इन इफेक्ट्स को अपने को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अप्लाई करने के बाद में इसकी ड्यूरेशन अपने को बड़ी करनी है। तो ड्यूरेशन बड़ी करने के लिए अपने को क्या करना है कि आपका जो कीबोर्ड में शिफ्ट होता है उसको दबा के आप यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है इस इफेक्ट को एडिट करने की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो इफेक्ट आपने लगाया है वो आपको यहाँ शो कर रहा है बॉर्डर वाइप। ठीक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आप इफेक्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं आप। तो एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी एंगल पे आपके इफेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आते हैं अपन बॉर्डर का कलर। तो कलर आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और बॉर्डर की जो साइज़ है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अब आप इसको ओके करके देखिए, पहले आपका इफेक्ट कुछ और था और अब आप देखेंगे तो कुछ और है। ठीक है। अब इस इफेक्ट को सेव रखना है, इसी इफेक्ट पे आप यहाँ पे जाइए और इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ से सेव कर दीजिए। तो ये आपका जहाँ जो आपका पाथ लोकेशन खुला हुआ है उसी में जाके सेव हो जाएगा और जो भी आप इसको नाम देना चाहें अपने हिसाब से वो आप इसे नाम दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सर्किल है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे इसमें बॉर्डर है तो बॉर्डर के अंदर यहाँ पे कलर है। अभी इसमें कोई भी कलर नहीं है बॉर्डर में, आप यहाँ से बॉर्डर में कलर दे सकते हैं। कलर आपको चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर नहीं चाहिए, आपको पिक्चर सॉफ्ट करनी है तो आप बॉर्डर हटा दीजिए और यहाँ से पिक्चर को सॉफ्ट कर दीजिए, तो ये मिक्स होती जाएगी, इसमें बॉर्डर नहीं दिखेगी आपको। और इसको यहाँ से मिक्स कर दीजिए आप, मतलब जितना स्मूथ चाहिए उतना अपन फेदर लगा सकते हैं, उतना मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ, जैसे क्लॉक है, तो ये क्लॉक आपने अप्लाई किया। अब इसमें भी देखो स्टाइल है, जैसे अभी आपको ये दोनों तरफ दिखा रहा है, आप इसको सिंगल साइड भी कर सकते हैं। अब इस इफेक्ट की स्पीड अगर आपको एडजस्ट करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हमको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके पास ये ट्रैक है पूरा। इस ट्रैक पे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और लास्ट में। ठीक। तो इन पॉइंट्स के बीच में आपको कहीं पे भी एक क्लिक करना होगा, जहाँ तक आपको वीडियो फास्ट करना है उस एरिया पे क्लिक करना होगा। जैसे मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं इस पॉइंट पे आके क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से ये जो ड्यूरेशन है डिवाइड हो गई। ठीक है। अब इस ड्यूरेशन को मेरे को फास्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ के और इसे नज़दीक ले जाऊँगा इसके। ठीक। तो ये एरिया मेरा फास्ट हो गया और अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, इसी तरीके से आप और भी जो इफेक्ट हैं उन सभी में आप ये चेंज कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपकी दो फाइल हैं, इनके बीच में आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपन कोई भी इफेक्ट उठा के लगाते हैं तो वो लगता नहीं है, यहाँ नीचे टाइमलाइन पे चला जाता है, वो यहाँ सेंटर में नहीं लगता। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जब तक फाइल दोनों तरफ से कट नहीं होगी तब तक इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ से फाइल को यहाँ से हटा दिया और ये मैंने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगा दिया। देखिए इस टाइप से इफेक्ट मिक्स हो जाएगा। अब वापस से मैं आपको वो स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसी के ऊपर अपन वापस चलते हैं। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग फाइल्स हैं लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कहीं इफेक्ट लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे हम कोई भी वीडियो फाइल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो फाइल है,
तो यहाँ तो इफेक्ट अप्लाई होगा ही होगा। इसके अलावा एक नीचे यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट होता है मिक्सर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वीडियो जो होता है आपका फेड करने के लिए होता है, यहाँ से आप अपने वीडियो को फेड कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हाईलाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो, और मेरे को यहाँ तक इसको फेड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउन कर दूंगा इसे, और इसी तरीके से मैं बैक जो आपकी वीडियो है उसको भी मैं डाउन कर दूंगा। जब आप इसे प्ले करेंगे ब्लैक डिजोल्व जो आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेंगे और आपको यहाँ पे इफेक्ट का फील भी होगा। वो कैसे कि आपने यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट होता है आपका ऑडियो का और दूसरा पॉइंट होता है आपका वीडियो का जहाँ पे मिक्सर लिखा हुआ होता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखेंगी डार्क कलर की, इनको आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ये मिक्सर जो दिख रहा है यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हो जाएंगे पिक्चर के स्टार्ट में और लास्ट में, ठीक है। अब आपको इस वीडियो को फेड करना है तो आप जैसे इस एरिया को आप फेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पॉइंट करके इसको डाउन कर दीजिए। इसी तरीके से आप लास्ट में भी कर दीजिए, और इसी तरीके से आप जो आपकी अगली फाइल है उस पर भी आप कर दीजिए। जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इसमें आप जितनी बार वीडियो के अंदर पॉइंट डाउन करोगे उतनी ही बार वीडियो फेड होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि वो बार बार अप डाउन हो रहा था आपका वीडियो, तो उसमें तो क्या मैंने अलग अलग फुटेज ली थी इसलिए वो आपको दिख रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक ही पिक्चर के अंदर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ नज़दीक कर दिया और ये मैंने पॉइंट्स कर दिए यहाँ पे अलग अलग एक ही दूरी के ऊपर, और मैं इनको फेड कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को और क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको कुछ और इफेक्ट दिखाता हूँ। तो इस इफेक्ट को भी बनाना इजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा में जाना है। अल्फ़ा के अंदर एक ही इफेक्ट होता है, अल्फ़ा कस्टम मैप। जब आप इसे टाइमलाइन पे लेके आते हैं तो ये इफेक्ट कुछ इस टाइप से फील करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कस्टम मैप पे जाना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है ताकि कलर फील हो जाए, और इस कलर को यहाँ से फुल कर देना है। तो अब जब आप यहाँ प्ले करेंगे तो ये आपका इस टाइप से कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा, और इसको आप ओके कर दें। और इस इफेक्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। कोई भी कलर अपन सेट कर सकते हैं इसमें? हाँ, इसमें आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। आप वापस वहीं जाइए और यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने ये वाइट किया तो ये देखो वाइट डिजोल्व हो गया। तो और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर एक स्टिल इमेज होती है PNG फाइल, वो आप इसके अंदर आपके सिस्टम में कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वो डाउनलोड करने के बाद में वो भी इसके अंदर यूज आती है। इसी इफेक्ट में अपन कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, इसका जो फ्लो था वो मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्फ़ा मैप, इसी पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे मास्क हैं, स्टिल इमेजेस होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे मैं आपको मान लो यही लगा के दिखाता हूँ, तो ये देखिए आप जैसा आपने यहाँ पे देखा था पहले, ये उसी टाइप से है। और अगर इसका फ्लो आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से फ्लो बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए इसको, तो ये भी आपका इफेक्ट रेडी है। इसी तरीके से मैं आपको एक दो और इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। तो ऐसे आप बहुत सारे इफेक्ट बना सकते हैं और सेव रख सकते हैं, तो आपके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और आप बहुत अच्छे से इफेक्ट बना सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम किसी भी इफेक्ट को एडिट कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल इफेक्ट को क्रिएटिव इफेक्ट बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी वीडियो एडिटिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।